हाय एवरीवन, आज मैं आपको लेके आई हूँ कोलकाता के सबसे ओल्डेस्ट और वेल मेंटेन्ड गार्डन ईडन गार्डन में। हाँ, ईडन गार्डन नाम तो आपने सुना ही होगा, वर्ल्ड फेमस क्रिकेट स्टेडियम, और वो क्रिकेट स्टेडियम का नाम इसी गार्डन से मिला है। इस गार्डन का और एक अट्रैक्शन है यहाँ का मेडिसिनल प्लांट कलेक्शन। ये है मेडिसिनल प्लांट्स के लिस्ट। ये सभी प्लांट्स इस गार्डन में बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया गया है। 1836 से 1842 तक हमारे इंडिया में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड ऑकलैंड। उन्होंने ये गार्डन बनवाया था अपने दो बहन एमिली एंड फेनी ईडन के नाम पे, ईडन गार्डन। चलिए घूम के इस गार्डन का मज़ा लेते हैं। इस गार्डन का और एक मेजर अट्रैक्शन है यहाँ का बर्मिश पगोडा। ये एक बुद्धिस्ट पगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ये पगोडा गार्डन के नॉर्थ साइड में है, और यहाँ पे जाने के लिए ये ब्रिज को क्रॉस करके जाना पड़ता है। एक्चुअली ये पगोडा जो है वो एक आइलैंड में है जिसके चारों तरफ पानी है। चलिए देखते हैं। एक मज़ेदार बात आप लोगों से शेयर करनी है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, जो बर्मिश पगोडा के नाम से जाना जाता है, ये स्ट्रक्चर कोलकाता में बना ही नहीं था, ये प्रोम में बना था। लॉर्ड ऑकलैंड को ये जगह, ये स्ट्रक्चर इतना पसंद आया, उन्होंने बर्मा से ये कोलकाता में इंपोर्ट करवाया। तो ये स्ट्रक्चर पूरा रिकॉन्स्ट्रक्ट यहाँ पे 1856 में, यानी कि 1856 में यहाँ पे रीबिल्ड किया गया इस गार्डन में। ये जगह बहुत ही शांत और पीसफुल है। आप अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ एक पीसफुल जगह चाहते हैं कोलकाता में, तो ये जगह ईडन गार्डन पार्क आपके लिए परफेक्ट होगी। Thank you.
गार्डन एरिया का एक नर्सरी है। मेरे दोनों तरफ हजारों फ्लावर्स यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं आप, बहुत सारे प्लांट्स यहाँ पे उगाए गए हैं और अच्छी तरह से मेंटेन भी किया गया है। ये जगह बहुत खूबसूरत है और आप यहाँ से फ्लावर्स खरीद भी सकते हैं।